चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। सूरज हुआ मत्था चांद जलने लगा आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरी रही जमीन चलने लगी धड़काई दिल सांस थमने लगी। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है सजना। क्या ये मेरा पहला पहला प्यार है। Welcome, Siddharth Shukla and shehnaz to Big Boss OTT. So Thank good you. To see you, Sid. Likewise, yeah. Thank you, sir. अरे वाह 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 वाह। आपसे तो पहली बार मुलाकात हो रही है shehnaz. Sir, I'm not easily available actually. Oh. Yes. But I'm very easily available. I know. हर जगह पहुंच जाता हूँ। I know. मैं पहले कहना चाहूंगा कि आप दोनों से मिलने के लिए the most loved जोड़ी of Big Boss audience तड़प रही है। What do you have to say? कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि पता है वो हम देखते रहते हैं ना इसलिए। अच्छा पता है आपको। हाँ जी। कि बहुत बेसब्री से सबका आपका इंतजार था। जी आपको पता है। यस मेरे को ट्रस्ट है उनपे। बिल्कुल ट्रस्ट है फेथ है। सिड नहीं नहीं इट्स जस्ट अमेजिंग एज एन एक्टर आप चाहते हैं कि यही हो आपके साथ कि लोग आपको देखना चाहें और अब जब ऐसा हो रहा है देन यू जस्ट फील ग्रेट अबाउट इट। यू फील ग्रेट अबाउट इट राइट। वेल आप दोनों के बारे में इतना चर्चा होता है ऑलवेज देयर इज बैंटर ट्विटर पे आप दोनों रोज ट्रेंड करते हो right. इसका क्या कहना है। अमेजिंग लोगों का प्यार व्हाट एल्स कैन यू से। हाउ हंबल हाउ हंबल। लोग तुम्हारी रियलिटी के साथ कनेक्ट करते हैं तो मुझे लगता है रियलिटी शो सबको करना चाहिए जैसे आप भी कर रहे हो अभी। मैं तो होस्ट कर रहा हूँ मैं घर में अंदर थोड़ी गया मैं। तो बात तो वही है ना एक ही बात है। हाँ बिल्कुल मैं अटैच हो गया हूँ शो के साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है वेरी गुड। चलिए मैं सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर सुनने के लिए पूरा इंडिया बेताब है। क्या आप दोनों हाँ आगे क्या आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ, बिल्कुल अच्छा। और या, और क्या आप दोनों मैं फिर से सवाल पूछता हूँ क्या आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इंडस्ट्री का एक रिवाज है जी जब लोग अपने सच्चाई को छुपाते हैं तो दे ऑलवेज से वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स यही कहते हैं। हाँ. और आपने भी यही कहा कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं इसका क्या मतलब हुआ। पर वो क्या है कि हम लोग रियलिटी शो से हैं तो हम लोग काफी रियल हैं तो हम रियली बोल रहे हैं कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा इस वक्त तो अच्छा shehnaz आप बताइए। मैं तो यही बोलूंगी कि आपने जिस नजरिए से देखना है उसी नजरिए से देखो हम क्योंकि हम एक दूसरे के साथ अच्छे फ्रेंड्स हैं फैमिली हैं तो तुम्हें जो अच्छा लगता है वही नाम दे दो। आप ऑलरेडी फैमिली बन चुकी है। यस फैमिली तो है ही। अच्छा। क्योंकि मुंबई में मुझे सिर्फ यही अच्छी तरह जानते हैं तो यही मेरी टेक केयर करते हैं। अच्छा ये टेक केयर करते हैं फ्रेंड है। यस और कुछ नहीं और कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। बिग बॉस में आप काफी वक्त गुजार चुके हैं एक दूसरे के साथ। हमारा जो ये शो है बिग बॉस OTT तो आपको क्या लगता है कि सिद्धार्थ के बारे में कौन सी OTT जो ओवर द टॉप वाली क्वालिटी है क्या लगता है आपको shehnaz में पहले आपसे पूछना ठीक है। तो इसकी ओवर द टॉप ठीक है उसे कहते हैं जब पूरे जवाब के साथ रेडी है। हाँ। रेडी है पहले से बताएं को क्या बोलना। नहीं यार वैसे ओवर द टॉप मुझे पता है मैं रोज शो देखती हूँ। अच्छा ठीक है तो बताइए ओवर द टॉप क्या लगता है आपको सिद्धार्थ के बारे में। प्रोटेक्टिव ओवर द टॉप है और इसका लॉजिक ओवर द टॉप है। लॉजिक क्या है मतलब आपके लॉजिक फेल हो जाएंगे इसके आगे इतने लॉजिक है इसके। इतनी आप एग्जांपल दीजिए आप। फॉर एग्जांपल आप जीत नहीं सकते फाइट में। अच्छा आपने कोशिश की है। नहीं मैंने कोशिश नहीं की बट सब पर आप पूरा पता है तो वो तो दो सीजन पहले हो चुकी बात ना आपकी बात में। हाँ, जो तो जब आप लड़ते हो झगड़ते हो जो नॉर्मल होता है झगड़ते नहीं है। वैसे तो इतना हम जैसे बात होती है जब मेरे को गलत सही कुछ पूछना होता है तो मैं फोन पे पूछ लेती हूँ कि ये कर सकती हूँ ये वो नहीं हाँ
तो मैं इसकी सुनती हूँ क्योंकि मुझे पता है ये समझदार है। और आप बताइए सिड। आई थिंक ये जो शब्द है OTT ओवर द टॉप, वो शहनाज के लिए ही बना है। अच्छा। शहनाज कंप्लीट पैकेज है ओवर द टॉप होने की। उसकी हर एक अदा, बात, रहन सहन, तरीका, ढंग, सब ओवर द टॉप है। अच्छा आप बताइए, एक यादगार मोमेंट तो होगी ना, कोई बहुत ज्यादा OTT वाली बात, क्या की शहनाज ने? यार अगर आपने बिग बॉस 13 देखा है तो जो वो आपने तभी देखा था वो वैसी ही है, सिर्फ अब पतली हो गई है। हाँ, है ना। हाँ, ये क्या, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है शहनाज का, क्या कहना चाहते हैं आप? सिद्धार्थ, पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो हॉट सेक्सी कूल ब्यूटीफुल सब कुछ तो वैसी थी, अब और भी ज्यादा हो गई है। हाँ, तो क्या लगता है आपको? तो मुझे तो पहले भी बहुत अच्छी लगती थी, अभी भी बहुत अच्छी लगती है, अब डिफरेंट लग रही है। अच्छा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। आर यू एंजॉयिंग द डिफरेंस? आई एम लाइकिंग द डिफरेंस। गंदी बातें। गंदी बातें या तो गंदी बातें नहीं होती हैं। मैंने कौन सी गंदी है? अब करूंगा तेरे साथ गंदी बात। अच्छा, तो ये आपका, आपको अपने बारे में क्या कहना है? ये जो आपने मेटामॉर्फोसिस हुआ, ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई आपकी, किस लॉजिक को लेके आप इस तरफ गई है? सिद्धार्थ ने कुछ एडवाइस दिया था आपको फिटनेस का? लॉजिक मेरा यही है, अभी मूवीज करूं, एक्ट्रेस बनना चाहती हूं, रियलिटी शो की क्वीन तो मैं हूं ही। अच्छा, तो अभी लोग मेरी एक्टिंग से भी जाने। अच्छा अच्छा, इस वजह से भी। इसके बारे में क्या कहना है आपको? मैं बहुत ही अच्छी है इनकी सोच है, और आई लव इट कि बिल्कुल क्लियर है ये। हाँ, एकदम एब्सोल्युटली, पूरा प्लान लेके आई है। आई एम श्योर अगर आप इनसे पूछेंगे थोड़ा और तो आपको बता देंगे कौन से दिन पे इनकी कौन सी पिक्चर भी रिलीज हो रही है। हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा है, मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है तो क्यों ना मैं अपने में मेहनत करूं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा शहनाज, एंड आई थिंक द नेशन लव्स यू फॉर दैट। जिस तरह आप पेश आई थी, आप वैसे ही थे। मुझे वैसे, मैं पर्सनली कहना चाहूंगा शहनाज, जैसे आप दिखती थी ना मुझे वैसे, तब भी अच्छी लगती थी, आज भी अच्छी लगती है। आपने फिर मेरे को कभी अप्रोच क्यों नहीं किया मूवी के लिए? आपने मुझे अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डायरेक्टर हो ना, मैं डायरेक्टर होती तो मैं पक्का। मैं आपका, मैं आपसे बड़ा हूँ? आप मेरे से बड़े हो, लेकिन उम्र में भी, हाइट में भी, अगर में भी। मेरे को ना होगी तो मेरे तो बेइज्जती है ना। मैं तो बड़ा हूँ, आपका सीनियर हूँ, अगर आपको फिल्में करनी थी तो आप आके मुझसे मिलती तो ठीक है, अभी बात। और अगर आप मुझे पर्सनली जानती, मैं तो सिट का दोस्त हूँ। एक मिनट, हाँ, मेरी रियलिटी शो में देखो सब कुछ, अभी रियलिटी शो में बिग बॉस से मेरी शुरुआत हुई है अच्छी वाली, और चलो फिल्मों की भी बिग बॉस में शुरुआत हो रही है। वेरी नाइस, वेरी गुड, ये बहुत वेल डन, हाई फाइव। अच्छा सिड, तो मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। ओके, लेट्स गो फॉर इट। तो सिड, आपके दिमाग में क्या चला था जब आपने पहली बार शहनाज को ऐसे देखा? जब मैंने शहनाज को ऐसे देखा था फर्स्ट टाइम, बस ये उनकी एंट्री थी, एंट्री का डे था, और इनकी बातें हम पहले से ही सुन रहे थे, और जब हमने देखा, सो आई न्यू कि दिस गर्ल इज गोना हैव लाइक अ ब्लास्ट, और इसके साथ बहुत मजा आने वाला है, बिकॉज ये कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, फिल्टर के बिना है, बिल्कुल कंप्लीट, नो फिल्टर एट ऑल। और पता था कि दिस गर्ल इज गोना बी अ लॉट ऑफ फन टू बी विद, और वैसा ही हुआ, जान बन गई ये नेशन की। अच्छा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया? नहीं, कोई आंखों, नहीं नहीं, इनके इशारे और गए हुए थे। अच्छा, बकवास कर रहा है। अच्छा सॉरी, इश देखो जो एंड में मिलता है ना वो तुम्हारा होता है। तो ये आपको मिल गया, इसका यही मतलब है? क्या मतलब था? मिला जैसे भी, ये आपने तो सिद्धार्थ को एक ट्रॉफी बना दिया है। नहीं, मेरा डायलॉग में भी आपने नहीं सुना। हाँ। तू मेरा है और तू मेरा ही रहेगा, मैं फाड़ के रख दूंगी किसी और ने देखा तुझे तो। चलिए, ये बातें तो ऑलवेज दोस्ती करते एक दूसरे के साथ। मेरे को ना ट्रॉफी नहीं जीतनी, मुझे तुझे जीतना है, मैंने ये डायलॉग मारा तो था। फिर जीत चुके ना? जीत चुके, फैमिली है यार, मैं बोल रही हूँ। फैमिली बॉयफ्रेंड नहीं है। बॉयफ्रेंड क्या होता है? क्या होता है बॉयफ्रेंड, आप बताओ क्या डेफिनेशन है? रिश्ता हो, हर तरह का रिश्ता हो। ये हर तरह का, आई थिंक बॉयफ्रेंड वाला हर तरीके का रिश्ता नहीं होता। मुझे लगता है उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि इमोशनली तुम्हें कौन सपोर्ट कर रहा है। बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो छोड़ के चले जाते हैं, ये नहीं ये चलता, बट ये जो मेरा रिश्ता है ना वो कभी नहीं टूटेगा। अच्छा, वाह वाह वाह, दावे के साथ कह सकती है। चलिए नेक्स्ट फोटो देखिए आप, ये घर के अंदर वाली शहनाज। राइट, ये घर के अंदर वाली शहनाज है। अभी जब आप इसको बेहतर जानने लगे थे, ये तब वाली शहनाज थी? हाँ, ये शहनाज कुछ कंफ्यूज थी, यहाँ पर इनको बहुत ज्यादा समझाता था, मिलता था, और ये कंफ्यूज रहती थी, एंड शी वाज शी डिडंट नो कि क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत हो रहा है। और सही है, उनको सही रास्ता दिखा दिया। मैंने इनका साथ दिया, साथ दिया राइट, और आज भी दे रहे हो? आज भी दे रहे हो। वाह वाह वाह, हम साथ साथ है। चलिए आगे बढ़िए,
ये मेकओवर वाली शहनाज है एकदम, बिल्कुल अभी ये एकदम फिट एंड फाइन हो चुकी हैं एंड पूरी बॉबी डॉल जैसे कहते हैं शहनाज 2.0 या क्या क्या बोलना दोबारा पूरी क्या लग रही हूँ पूरी बाबी डॉल लग रही है बाबी डॉल लग रही है तो यही है फीलिंग्स आपके बिल्कुल सिर्फ बाबी डॉल वाले बस वेल आई वांट टू टेल यू शहनाज ही नहीं बदली सिड लास्ट ईयर हमारे जो मुंबई के बाबू है वो भी कुछ बदल चुके हैं अच्छा वो थोड़ा कैसे? थोड़ा मैं दिखाता हूं ओके पंजाब का इफेक्ट इनको भी हो गया है शहनाज क्या कहना है देखो जैसी संगत वैसी रंगत वाह वाह जैसी संगत वैसी रंगत हाँ, ये गन्ने के खेत में क्या करने गए थे खेत देखने गए थे हम शूट पे गए थे हाँ, तो पंजाब हम नहीं गए थे मैं गया था अच्छा ये मेरे को कहीं लेकर नहीं गई अरे थी। हम शूट पे गए थे हम शूट पे गए थे शूट पे ये मेरे को कहीं लेकर नहीं गई थी तो मैं खुद गया था तो ये आपके साथ नहीं थी ये तभी साथ में नहीं थी ये शूट कर रही थी मेरे पास थोड़ा समय था। Just an actor on a tractor. I was just an actor. But shoot पे तो इकट्ठे ही गए थे ना? हाँ बिल्कुल। हाँ। अच्छा चलो ये बात मैं बहुत खुश हुई देखकर कि आप में एक पंजाबियत आ चुकी है शहनाज का असर है शहनाज का इफेक्ट है बिल्कुल पंजाब आपके अंदर कूट कूट के भरी चुकी है हाँ। तो थोड़ा बहुत आई थिंक पंजाबी मूव्स भी देख लेते अरे जब से ये न्यूज बाहर आई कि आप दोनों यहाँ आने वाले हैं पूरा इंडिया एकदम एक्साइटेड और इंपेशेंट हो गया और मेरे और वूट के सोशल मीडिया हैंडल्स में सैलाब आया मैसेजेस और रिक्वेस्ट का वाओ इनफैक्ट यू कहना चाहिए कि डिमांड्स का सैलाब आया सब वेट कर रहे थे कि ये कब होगा कब आएंगे शहनाज और सिद्ध और आज वो दिन आ ही गया तो एक काम करते हैं जनता को वो देते हैं जो वो चाहते हैं जिसका वो वेट कर रहे थे पर उससे पहले मेरे कुछ सवाल है वो पूछ लूं देखिए पहले ही हफ्ते में इस घर के अंदर बहुत सारा फायर देखने को मिला है और यहां भी फायर एक्सपीरियंस में कर रहा हूं केमिस्ट्री वाला फायर लेकिन पॉजिटिव वाला मैं यहां हूं मौका भी है आप दोनों भी यहां हैं right. फायर का मैंने नाम लिया तो रैपिड फायर तो बनता है You're very interested. Yes. अच्छा शहनाज तो मैं आपके साथ शुरू करूं हाँ कर लो पर्सनल सा सवाल है बट क्योंकि आप फैमिली हो फ्रेंड हो आपने इतना वक्त बिताया है सिड के साथ तो झट से मुझे जवाब दीजिएगा ठीक है कि सिड के बेडरूम में वो कौन सी चीज है जो मुझे जरूर मिलेगी सेटाफिल क्या है वो सेटाफिल इज अ क्रीम लोशन होता है वो हाँ क्रीम मिलेगा हाँ, आपको टांगों पे वहाँ पे वो जब टांगों पे डालते हैं क्रीम हाँ लोशन होता है वो लोशन और आप उसपे फिसलती है नो जब बिग बॉस में होता ना तो बेडरूम में हमेशा ये सेटाफिल लगाता था हमेशा टांगों पे अच्छा ये क्रीम है क्रीम बोलिए क्रीम है क्रीम डालते थे हाँ, तो आपको वो क्रीम मिलेगा वहाँ क्रीम डालता है बड़ा डिसइंटरेस्टिंग सा सवाल है ये लोशन क्रीम मिलेगा आपको लोशन मिलेगा आपको लोशन अच्छा ठीक है वाह 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 ब्यूटी में काफी इंटरेस्टेड है बॉडी पे आप रोज क्रीम और लोशन लगाते हैं बिल्कुल नहीं लगाता मैं बिल्कुल नहीं लगाता तो क्या लगाते हैं आप एक और न्यूज लगाता है ये लोशन लगा के न्यूज देखता है न्यूज भी देखता है न्यूज ये मिली है हमें कि ये लोशन लगाते वेरी गुड तो इसलिए उनकी त्वचा इतना चमक रही है सबने देखा अच्छा चलिए दूसरा सवाल ये रहा आपका आपको 5 में से रेट करना है ठीक है हाँ सिद्धार्थ के लुक्स को रेट करना है 5 में से कितना देंगी आप सिद्धार्थ को 5 10 दूंगी मैं 10 देंगी आप वाह 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 चलिए इसके जैसा कोई भी नहीं है दुनिया में उनकी आंखें 5 पे कितना देंगी आंखें बोलती है तो कितने मार्क्स देंगी आप यार मैंने तो 10 ही दिए 10 आउट ऑफ 10 आप तो 5 तो बहुत ही कम बोले आपने 5 के ऊपर देना था ना मैं तो बोलती हूँ 10 दे दिया आपने चलो वेरी गुड आंखें इनकी आंखें बोलती है उनके डोले शोले